तो नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और बड़ी खबरों की शुरुआत हो चुकी है। एक संसद भवन है, भारत को नया संसद भवन मिलने वाला है और उद्घाटन से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इन दोनों सियासी संग्राम जो है जोरों पर है। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों द्वारा सामूहिक बहिष्कार के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी बीजेपी में भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही है और इस पूरे मामले पर बीजेपी जो है आक्रामक होकर ऐसे मौके गिनवाती दिख रही है जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सदन का उद्घाटन किया गया था। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक उस ट्वीट से हुई थी जिससे उन्होंने नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। संसद भवन के उद्घाटन की सियासी आग अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है जहां कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संसद के नए भवन के लोकार्पण से पहले छत्तीसगढ़ में ट्विटर वॉर भी तेज हो चुका है। दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दूसरे पर खुलकर हमले बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि 28 मई को नए संसद भवन का लोकार्पण होना है। कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी का अपमान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आदिवासी समुदाय को निशाना बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ बरगलाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसके बाद हम लोगों को बोलने कुछ रहता नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पे हैं। भूपेश बघेल जी, इस बात को बताएं कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति की, तब क्या आपने उस समय एक आदिवासी बेटी का अपमान नहीं किया? लगातार आदिवासी समाज के साथ आपने अन्याय किया, उनका 32% का आरक्षण छीना। आप किस मुंह से आदिवासी सम्मान की बात करते हैं? लोकसभा के संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम ये लोकसभा और राज्यसभा के सभापति ने शायद तय किया है और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। देखिए, ये संसद भवन के लोकार्पण के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया उसके बाद हम लोगों को बोलने कुछ रहता नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पे हैं। भूपेश बघेल जी, इस बात को बताएं कि जब आदिवासी महिला प्रत्याशी थी राष्ट्रपति। तो बहरहाल, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तनातनी का माहौल पूरी तरीके से व्याप्त है। नए संसद भवन 2024 के लिए किस किस पार्टी के लिए भाग्यशाली होगा, ये जो नया संसद भवन है ये अब देखने वाली बात होगी। और ये जो विवाद की शुरुआत हुई है, विवाद कहां तक जाता है ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से तौकीर रजा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से मणि वैष्णव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और जो मेरा सवाल है वो मणि वैष्णव जी से है, कांग्रेस के लिए है। मणि जी, सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी भी तमाम ऐसे मुद्दों को गिनवा रही है, तमाम ऐसे मूवमेंट्स को गिनवा रही है। जब सोनिया गांधी जी को उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, अब उसी का रेफरेंस देकर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के मामले में आप बेमतलब की बयानबाजी कर रहे हैं, बेमतलब के तौर पर इसे पूरी तरीके से तुल देने में आप लोग लगे हुए हैं। बीजेपी सीधे तौर पर रेफरेंस दे रही है मणिपुर और तमिलनाडु की विधानसभा इमारतों के उद्घाटन के मौके का रेफरेंस दे रही है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी को भी उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, उसकी तस्वीरें भी लगातार बीजेपी के लोग जो है वो ट्वीट करके शेयर भी कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी को बुलाने की बात को आप राष्ट्रपति को किनारे करने के बाद प्रधानमंत्री का उद्घाटन किया जा रहा है, उसे तुलना नहीं किया जा सकता।
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन लोकार्पण के लिए लड़ाई हो रहे हैं, उससे समझ में आता है कि मोदी जी पूरी तरह आत्मुग्ध हो चुके हैं, निरंकुश हो चुके हैं और उनका ईमान इस स्तर पर पहुंच चुका है कि वह संविधान में लिखे नियमों को भी चुनौती दे रहे हैं। संसद के संविधान को परिभाषित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख है कि जो राष्ट्रपति है संसद भवन का उद्घाटन उसे ही करना चाहिए। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो उसे आप दरकिनार करके स्वयं जो है घुसने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार के उद्घाटन समारोह में और स्वयं उद्घाटन करना चाह रहे हैं, उससे तो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनकी जो साख खोरी भेज है, जो हिमाचल में लोग हारे, जो कर्नाटक में लोग हारे, उसके हिसाब से जो है ये लोग अपनी साख बचाने के लिए इस प्रकार का प्रचार करने में जुटे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन हम करते हैं। बिल्कुल मनी वैष्णव जी, तौकीर रजा से भी इस पर उनकी प्रतिक्रिया जान लेते, बीजेपी की रिएक्शन भी जानना जो है वो बहुत जरूरी है। सीधे तौर पर तौकीर जी, लगातार आप लोग ये कह रहे हैं, अब सोनिया गांधी के नाम का रेफरेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा के उद्घाटन के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का भी ये कहना है कि आप अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाके तमाम तरह के काम कर रहे हैं। आरोप यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब सीधे तौर पर लिखा गया है कि इस तरह के भवनों का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति करेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें इंटरफेयर करना कहां तक सही है तौकीर जी? तौकीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा तौकीर जी से, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर ये जो पूरा बवाल है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है, लगातार इस मामले पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि जब संविधान के विरोध में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो बवाल बनना बहुत जरूरी है। लगातार मणि जी, सबसे जो तर्क है बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि आदिवासी समाज की एक बेटी को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाने में बीजेपी ने एक बहुत अहम योगदान दिया है। और लगातार बीजेपी ये भी कह रही है, पुराने मुद्दों को कहीं ना कहीं रेफर करके ये कह रही है, जिस आदिवासी बेटी का अपमान लगातार कांग्रेस करती रही है, उस आदिवासी बेटी के अब हक में बोलकर क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश नहीं कर रही है? जी, प्रत्येक दल अपने हिसाब से ये चाहता है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अगर हमारे व्यक्ति बैठेंगे, हमारे दल का कोई व्यक्ति बैठेगा, हमारी विचारधारा कोई व्यक्ति बैठेगा, तो वो हमारे लिए गौरव का विषय होगा। हर दल ये सोचता है और हर दल यही प्रयास करता है। निर्वाचन एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन यदि कोई आदिवासी महिला किसी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ गई, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ गई है, तो उसके बाद उसे कठपुतली बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? उसे स्टाम्प पैड बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? उसके जो अधिकार जो संविधान ने उन्हें दिए हैं उसे दरकिनार करके, उनके अधिकार क्योंकि उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करके जो है स्वयं उद्घाटन करने की क्या आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी को? अरे भाई, जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके अधिकार का जो है उपयोग उन्हें किया जाए, करने देना चाहिए। निर्वाचन की बात अलग है और राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति, चाहे किसी ने भी बनवाया हो, कोई भी हो, अगर राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर कोई बैठा है तो उसके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और अगर अतिक्रमण किया जा रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ये जो है अधिकारी चुनौती है और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक सर्वोच्च पद का भी अब सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और बात बता दूं जी, जिस प्रकार से संसद भवन के उद्घाटन के लिए 28 मई का दिन चुना गया है, उससे यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में न सुभाष चंद्र बोस जी के शहादत की कीमत है, भगत सिंह जी के साथ। लेकिन मणि जी यहाँ पे माफी चाहूंगा आपको इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह मणि जी कि लगातार बीजेपी यह कह रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे मकसद कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विपक्षी दलों की नफरत है, उस नफरत की वजह से तमाम विपक्षी दल जो है वो हंगामा कर रहे हैं, इस हंगामे के पीछे की कोई मेन और अहम कोई वजह नहीं है? नफरत नहीं करती, सबसे बड़ी बात तो यही है, कांग्रेस पार्टी ऐसा दिमाग तो चलती है, हम मतभेद रखते हैं, मन भेद नहीं रखते, तो नफरत वाली बात तो है ही, हम तो नफरत को मिटाने के लिए भारत जो यात्रा निकाले थे, हम नफरत को दूर करना चाहते हैं देश से, हम किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते। हम हमारा सिर्फ इतना कहना है जो संविधान में लिखी बातें हैं उनके अनुसार चलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और उसी के लिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति के पद का अतिक्रमण करके, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करके, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात तो ये भी है समझने की, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी शहादत दी, भगत सिंह जी ने शहादत दी, चंद्रशेखर आजाद जी ने शहादत दी, तो उनके जन्मदिवस को की जगह एक ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को चुना गया है उद्घाटन के लिए, जिसका जो है देश के निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम में किसी प्रकार का योगदान मिला। सावरकर जी के जन्मदिन को आपने चुना है, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर इस देश को बांटने में योगदान दिया था,
जिन्हों 60 रुपए पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से, जिन्होंने कई बार माफी मांगी, तो ऐसे व्यक्ति के दिन ही आपको जन्मदिन ही मिला था आपको संसद भवन के उद्घाटन के लिए। तो साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो आदर्श है उनके व्यक्तिगत जो आदर्श है, निजी आदर्श है सावरकर जैसे, ऐसे लोगों को स्थापित करना चाहती है और अपनी पार्टी की जो साख जो इनकी गिरती जा रही है, जैसे कि हिमाचल में इनकी हार हुई, हाल ही में कर्नाटक में इनकी हार हुई, और लगातार जो है जनता जो है इनसे परेशान है और इनके विरोध में जा रही है, उसके लिए समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने साख को स्थापित करने की इस प्रकार की हरकतें कर रही है। शुक्रिया मणि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर जो है देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। वजह यह है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। अब इस पर विपक्ष जो है बवाल मचाया हुआ है। सीधे तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि संविधान के विरोध में जाकर इस तरह का कदम बीजेपी उठा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे।